गाइस 2023 चालू हो चुका है और इसी के साथ आ चुका है शार्क टैंक का सीजन 2। एंड पिछले एक हफ्ते में एक पिच जिसने मुझे बहुत बहुत ज्यादा इंप्रेस किया था वो थी पाटिल काकी। एंड आई लव दिस पिच फॉर टू पर्टिकुलर रीजन, बिल्कुल क्लियर दो रीजन थे मेरे। पहला था ये जो दो लड़कों की स्टोरी थी गाइस, मतलब इतने सुपर कॉन्फिडेंट इंटेलिजेंट लोग एक रात में वेबसाइट क्रिएट कर देते हैं, कॉलेज से ड्रॉप आउट हो जाते हैं, शोरिंग कॉन्फिडेंस की गाइस बात ही अलग होती है। दैट्स पॉइंट नंबर वन। सेकंड पॉइंट, इस पिच में इन्वेस्ट किया पीयूष ने और अनुपम में। आई लव दीज टू शार्क्स। अगर इन्हें इन्वेस्ट किया तो इन्हें इसमें कुछ देखा होगा। आस्क वॉज 40 लाख रुपीज फॉर 2.5%, इनको मिले 40 लाख रुपीज फॉर 4% एट अ वैल्यूएशन ऑफ 10 करोड़। मजा आ गया। तो गाइस आपको पता ही है खाने पीने के हम बहुत शौकीन है, सीजन वन के जितने खाने पीने के प्रोडक्ट्स हमने सब ऑर्डर किए, तो हमने इनसे भी ऑर्डर किए, तीन चार चीजें ऑर्डर की कि मैंने की गुजिया की प्रकार के लड्डू की और चकली की। आज हम अनबॉक्स करेंगे पाटिल काकी की चकली को और कंपेयर करेंगे विद गार्डन मुरुक्कू विच इज ऑल्सो काइंड ऑफ चकली, एंड देखेंगे कि क्या ये रियली में हेल्दी है जो क्लेम करता है। बट पाटिल काकी चकली को अनबॉक्स करें उसके पहले 2023 की सबसे पहली कस्टमरी क्विक रिस्वॉच चेक। आज मैं पहना हूं गाइस कोहिनूर, HMT कोहिनूर इन दिस ब्यूटीफुल सनबर्स मरून डायल। हम इस पे गाइस ऑलरेडी रिव्यू बना चुके हैं और आप में से किसी ने नहीं देखा है तो आप जाके चैनल पे देख सकते हैं। आप पूछते हो तो मैं बता देता हूं। तो गाइस इस तरीके के बबल रैप में आता है ये। तो गाइस ये जो चकली है थोड़ी महंगी है, मैं थोड़ी नहीं काफी महंगी है। ये 400 ग्राम आती है गाइस 320 रुपए की, आप वेबसाइट पे देख सकते हैं भजाना चकली। एंड इसको कंपेयर करें मार्केट में क्या मिलता है, तो गाइस मार्केट में आप देख सकते हैं मैं गार्डन की चकली है मेरे पास, ये आती है 150 ग्राम 55 रुपए की। तो अगर आप मोटा मोटा हिसाब लगा लो तो ऐसी 400 ग्राम मुरुक्कू पड़ेगी आपको करीब 150 रुपए की, उसके अगेंस्ट में लिटरली डबल कॉस्ट की है। एंड जितनी भी D2C स्नैक स्टार्टअप्स हमने पिछले सीजन में भी देखा था, ये प्राइस हमेशा डबल चार्ज करती है। इनका वैल्यू प्रोपोजिशन है कि हम हेल्दी इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं और अच्छा बनाते हैं। अब कितना हेल्दी है समझ के लेते हैं। लेट्स ओपन इट एंड टेस्ट इट। इस तरीके से होता है, ये है आपकी मुरुक्कू और चकली एज यू वुड लाइक टू कॉल इट, कोई कुछ भी बोला सकता है, खोला जाए। एंड दिस इज हाउ द चकली इज। तो गाइस चलिए खा के देखते हैं। चीयर्स टू गुड हेल्थ। तो गाइस चकली अच्छी टेस्टी है, बट गार्डन मुरुक्कू की जो चकली के छोटे छोटे पीसेस आते हैं उससे कंपेयर करके देखते हैं। जैसे ये है, ये टिपिकल चकली नहीं है बट दिस इज द क्लोजेस्ट आई कुड गेट इन रेडीमेड पैकेजिंग विद इंग्रेडिएंट्स। ये खा के देखते हैं। तो गाइस फ्लेवर प्रोफाइल में दोनों में डिफरेंस है, दोनों अच्छे हैं, मतलब इसमें कोई अच्छा बुरा मैं नहीं कहूंगा। इंग्रेडिएंट्स की बात करते हैं गाइस, मैं सबसे ज्यादा इंग्रेडिएंट्स में इंटरेस्टेड हूं मैं। तो गाइस अगर इंग्रेडिएंट्स कंपेयर करें तो जमीन आसमान का फर्क है दोनों में। मैंने आपको बताया था कि ये डबल प्राइस का है फ्रॉम समथिंग लाइक दिस, बट उसका क्यों है, रीजन है उसका। तो गाइस आप देख सकते हैं दिस इज मेड ऑफ फ्लैटेंड राइस, चिकपी लेंटिल्स, ब्लैक ग्राम स्प्लिट एंड ग्रीन ग्राम स्प्लिट विच इज 3 kinds of दाल्स, ऑयल एंड स्पाइसेस। अब ऑयल कौन सा इन्हें स्पेसिफाई नहीं किया, आई होप पाम ऑयल ना हो, बट स्पेसिफाई नहीं किया है। तो इफ एनीवन इज वॉचिंग फ्रॉम पाटिल काकी प्लीज कंफर्म, बिकॉज आई होप इट इज नॉट पाम ऑयल, इट इज ईदर ग्राउंड नट और सनफ्लावर ऑयल। लेकिन आप इसको देखोगे गार्डन के मुरुक्कू को विच इज द क्लोजेस्ट टू अ चकली, शुरू में ही गेम सेट मैच हो जा रहा है क्योंकि ये रिफाइंड वीट फ्लावर से बना है, मैदा, रिफाइंड वीट फ्लावर, पाम ऑयल, ब्लैक ग्राम फ्लावर दोनों में है, बंगाल ग्राम फ्लावर है इसमें बेसन, एंड राइस फ्लावर इसमें भी है, सॉल्ट, क्यूमिन, बिशप सीड्स विच इज अजवाइन एंड ब्लैक सेसमे सीड्स, तो स्पाइसेस, सॉल्ट, मैदा सस्ता आता है। हाउएवर मेरे को एक डिसकंफर्ट है कि फ्लेवर तो अच्छा है इसका बट इसकी न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन नहीं है चकली की, वेबसाइट पे नहीं दिख रही, पैकेट पे आपने देखा नहीं है, जबकि आप देखोगे यहाँ पे है, हर प्रोडक्ट में होनी चाहिए, मैंडेट है आई थिंक, प्लीज़ अपनी न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन डालिए, इट्स इंपॉर्टेंट, पीपल शुड नो व्हाट दे आर ईटिंग। आप लोग हेल्दी हो क्लियर दिख रहे हैं इंग्रीडियंट से, एंड अगेन अनुपम एंड पीयूष ने इन्वेस्ट किया है तो आई नो दैट दे हैव डन देयर ड्यू डिलिजेंस एंड ड्यू रिसर्च। हाउएवर आई वुड स्टिल से कि आपको इंग्रीडियंट्स मैं ऑयल कौन सा है मेंशन करना चाहिए, बिकॉज अच्छा ऑयल यूज करो तो दैट कैन बी अ डिफरेंशिएटर, एंड आपको न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन डालनी चाहिए इसमें। सो गाइस टू कंक्लूड फॉर दिस चकली, द चकली इज नाइस एंड टेस्टी, दाल राइस की बनी है, मैदा नहीं है, तेल कौन सा यूज है हमें नहीं पता, टेस्ट बहुत अच्छा है, काफी क्रंची है, डबल प्राइस की है, तो दैट इज समथिंग विच यू हैव टू चेक। मेरा बट डिसकंफर्ट ये है कि ऑयल कौन सा है मेंशन नहीं है एंड न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन मेंशन नहीं है, विच आई थिंक इज इंपॉर्टेंट एंड मैंडेटरी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई मे बी रॉन्ग, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। I love the entire spirit of these new age businesses coming from India, from smaller towns and smaller families.
सो गाइस दिस वाज एन अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू ऑफ पाटिल काकी एज सीन ऑन शार्क टैंक सीजन 2। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, नहीं अच्छी लगी तो कोई दिक्कत नहीं है, दो बार डिसलाइक करना, चैनल सब्सक्राइब कर दो यार अभी तक नहीं किया। बहुत वीडियोस आ चुके हैं, बहुत आने वाले हैं। जैसे बहुत लोग स्मार्ट वॉच पहन के अपने आप को काफी स्मार्ट फील कर रहे होंगे वीडियो देखते हुए। वो स्मार्ट वॉच गाइस कचरा होती है, बिल्कुल उठा के फेंक दो। 1000, 2000, 3000 में HMT कैसियो की एक से घड़ियां आती हैं गाइस। अच्छी वॉचेस में इन्वेस्ट कीजिए, टाइमलेस क्लासिक वॉचेस में इन्वेस्ट कीजिए गाइस। अपना वॉच कलेक्शन बनाइए, लेकिन स्मार्ट वॉच है, कचरों से दूर रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, टिल द नेक्स्ट वीडियो, स्टे सेफ।